स्टार्ट so, करते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था हमने आपको एक एक्टिविटी दी थी जिसमें क्लास को चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था ग्रुप ए बी सी एंड डी ए और बी को कॉपर सल्फेट एंड पोटासियम पर या फिर साल्ट सोल्यूशन एंड सुगर सोल्यूशन दिया था ठीक है ए और बी का जो सोल्यूशन बना था जो भी मिक्सचर था वो एक्चुअली सोल्यूशन था सोल्यूशन so, के बारे में हमने डिस्कस किया था सोल्यूशन क्या था ठीक है क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी सो बेसिकली सोल्यूशन क्या था सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग रियक्टिंग सोल्यूशन में दो पार्ट होते थे दो फेज होते थे यानी कि दो कॉम्पोनेंट्स होते थे वन इज द दोल्यूट एंड अदर इज द दोल्यूवेंट सोल्यूट क्या होता था सोल्यूट हमारा वो पार्ट होता था वो कॉम्पोनेंट होता था सोल्यूशन का विच इज प्रेजेंट इन लोअर कंसेंट्रेशन बाई मास और जो सोलवेंट होता था वो कैसा होता था दैट कॉम्पोरेंट ऑफ द इज प्रेजेंट इन हायर कंसेंट्रेशन बाई जिसकी अमाउंट ज्यादा हो सोलवेंट और जिसके अमाउंट कम हो वो सोल्यूट था आपका जनरली सोल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे होते थे एक नैनोमीटर से उनका कम साइज होता था एक नैनोमीटर कितना होता था टेन पावर माइनस नाइन मीटर यानी कि एक मीटर का टेन पावर नाइन हिस्सा क्या कहलाता है नैनोमीटर पार्टिकल इतने छोटे होते थे

डिफरेंट चीजें दी गई थी सी को क्या दिया होता था व्हीट फ्लोर इन वाटर या फिर चौक पाउडर इन वाटर तो मैंने बताया था वो किस वो मिक्सचर क्या कहलाता है आपका सस्पेंशन कहलाता है सस्पेंशन में पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं डी पोर्शन को जो डी ग्रुप था उसको क्या दिया हुआ था मिल्क दिया हुआ था और मिल्क क्या था तीनों जो पहले जो सोल्यूशन और सस्पेंशन से उनको बिल्कुल डिफरेंट था उनसे बिल्कुल डिफरेंट था क्या कहलाता था वो वो हमारा क्या लाता था कोलाइडल सोल्यूशन से ठीक है तो डिस्कस करते हैं अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं सबसे पहले तो सोल्यूशन के पार्टिकल साइज होते हैं एक नैनोमीटर से छोटे कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है एक नैनोमीटर से लेकर थाउजेंड नैनोमीटर तक और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज होता है मोर देन थाउजेंड नैनोमीटर ये तो हुई बात पार्टिकल साइज की ठीक है तो बेसिकली आज डिस्कस करते हैं सस्पेंशन को सस्पेंशन क्या है सस्पेंशन को भी, करेंगे, को भी करेंगे, क्या होता, है, क्या होता है और कुछ सेपरेटिंग मेथड ऑफ सेपरेशन जो टेक्निक ऑफ सेपरेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन से हिट्रोजीनियस so मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है आपका हिट्रोजीनियस होता है नेचर में ठीक है

एंड सम पार्टिकल्स नीचे सस, नीचे आप, आपके आपकी ग्रेविटी के ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ गए कुछ हल्के पार्टिकल लाइटर पार्टिकल वो कहा so कि जो वीट फ्लोर या पाउडर पानी में इन यूनिफॉर्मली इसमें फैला हुआ नहीं था ठीक है सो सस्पेंशन इज डिफाइंड एज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्ड इन द मीडियम बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम ठीक है ना समझ रहे हो ना इसको क्या कह रहा है ये ये कह रहा है कि सस्पेंशन में हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डिजोल नहीं होते मीडियम में बल्कि वो यू, नॉन यूनिफॉर्मली वो क्या करते रहते हैं सस्पेंडेड रहते हैं मीडियम में सो so, सस्पेंडेड पार्टिकल कैन बी सीन थ्रो द नेकडाई आपको मैंने बोला था करके देखना पार्टिकल्स जो बड़े होते हैं सिंस आ, जो विट फ्लोर है चोक पाउडर है, है तो वो आपको बिल्कुल नेकडाई से इजिली दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो ये हमने पढ़ा था तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं सस्पेंशन की सबसे पहले अच्छा एक और चीज है सस्पेंशन हमेशा अनस्टेबल होता है जनरली जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं ठीक है, है तब वो प्रिपेयर करता है तो सस्पेंशन की तरह करता है लेकिन उसको हम जैसे रख देंगे तो ड्यू टू तो ग्रेविटी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे सोल्यूट हमारा अलग रहेगा सोलवेंट जो है सोलवेंट टाइप का जो कंपोनेंट है वो अलग रहेगा ठीक है तो बेसिकली अनस्टेबल होता है ठीक है पार्टिकल साइज काफी बड़े होते हैं ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं नॉन होमोजीनियस होता है अनस्टेबल है सो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज होंगे हमारी तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं जैसे चौक पाउडर है पानी में या वीट फ्लोर है पानी में तो वो पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होके नॉन यूनिफॉर्मली कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम ऐसे पड़े पड़े रहते हैं तो हिट्रोधिनेस मिक्सर कहलाता है ठीक है पार्टिकल का साइज कितना होता है जैसा कि मैंने बताया पार्टिकल का साइज होता है एक, एक सॉरी थाउजेंड नैनोमीटर से बड़ा तो अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन

पार्टिकल्स ऑफ दस्पेंसन विद गिलास में ठीक है glass में, कांच के उस पर बैटरी डालो ठीक है? बैटरी डालो कर, जैसे ही बैटरी डालोगे उसके अपोजिट साइड से आप देखोगे यू कैन इजली सी दैट दी पाथ ऑफ द लाइट क्या होगा विजिबल होगा ठीक है ना तो दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट सो दार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्केट द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रो इट एनहेंस

जो पोर्स होते हैं ना फिल्टर पेपर के पोर्स का मतलब जो छेद होते हैं फिल्टर पेपर में उनसे भी बड़े होते हैं तो क्या उसमें से पास हो गया आंसर है नहीं क्योंकि पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के पोर्स पर ही ऊपर आपके रुक जाएंगे सो वी कैन इजिली सेपरेट आउट द सस्पेंशन जो दो कंपोनेंट होते हैं आपके एक तो सोल्यूट लाइक कॉम्पोनेंट एक सोलवेंट लाइकनेट सोल्यूट कंपोनेंट को सोलवेंट कंपोनेंट -like को हम अलग अलग क्या कर सकते हैं इजिली फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इवन ओड फिल्टर पेपर से भी ठीक है

फोम रबर स्पंज ठीक है ना ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं सारे के सारे कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल है काइंड ऑफ स्टोन होता है अभी मैं दिखाऊंगा आपको जेली जेली आप खाते हो ठीक है कलर्ड जैम स्टोन पत्थर होते हैं कलर्ड मिल्कि ग्लास ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशनशिप जनरली आपने डेली लाइफ में देखते हो मिल्क हर रोज पीते हो हालांकि आपको पसंद नहीं है मम्मी पीट पीट कर पिलाती है वो किसका एग्जाम्पल है आपका कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है चीज खाते हो बटर खाते हो ठीक है इंक है

ये आपकी दोस्त है इससे डरने की जरूरत नहीं है ठीक है सस्पेंशन के पार्टिकल्स पार्टिकल से से तो नाटक करते हैं और वो थोड़ा थोड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती भी है बट एक्चुअल में वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ना कि होमोजिनियस मिक्सचर होता है अगर आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मार्क्स में कोलाइडल सोल्यूशन ियस और नेचर तो आपको आंसर देना है कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं नॉट द हिट्रोजिनियस ठीक है।, है चलो आगे बढ़ते हैं बट एक्चुअली कैसे होते हैं होमोजिनियस होते हैं जैसे कि मैंने बताया क्या हम पार्टिकल को देख सकते हैं सस्पेंशन के आंसर है नहीं जैसे मिल्क होता है मिल्क आपने गिलास में डाल लिया तो क्या आपको फैट के पार्टिकल दिखाई देते हैं नहीं तो सस्पेंशन जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको पार्टिकल को हम नहीं देख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ़ बट इसको ओल्डरी हम अपनी नेकड़ाई से नहीं देख सकते वी हाउव टू यूज द पावरफुल माइक्रोस्कोप टू शो इन केस ऑफ को प्रोपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज प्रोपर्टीज पूछता वो

क्या करेक्शन करोगे सिंस पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्टर पेपर में से इजीली पास होते हैं तो नोट काट दोगे ठीक है यहाँ से ये नोट वाला नोट जो आपको उड़ा दोगे तो क्या लिखोगे पार्टिकल्स पार्टिकल्स डू पास थ्रू द फिल्टर पेपर्स क्योंकि पार्टिकल्स का साइज इतना तो होता है एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर से छोटे होते हैं तो छोटे होंगे तो ओबीसी इसमें से पास हो जाएंगे सो तो पार्टिकल्स डू पास और कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर तो नोट कर देना इसमें से ठीक है आगे बढ़े चलो कोलाइडल सोल्यूशन से कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं अभी हमने डिस्कस किया था ऐसे सोल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज वन नैनोमीटर से थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में हो ठीक है अब लाइक like सोल्यूशन में दो पोर्सन पड़े थे एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट जैसे सोल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है वैसे ही कोलाइडल सोल्यूशन में भी एक सोल्यूट लाइक कॉम्पोनेट होता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज और दूसरा सोलवेंट लाइक कॉम्पोनेंट होता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम या डिस्पर्सिंग मीडियम सो लाइक सोल्यूशन से पीछ द टू कॉम्पोनेंट सोल्यूट एंड सोलवेंट द्वल सोल्यूशन टू कॉम्पोनेट कितने होते हैं पर बोलो दो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम तो डिस्पर्स फेज की बात कर लेते हैं इट सोल्यूट लाइक कंपोनेंट कैसा कंपोनेंट होता है सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है और form, form कि जो होता आपका उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं डिस्पर्स फेज uh, बनाते हैं जो मीडियम है उसमें कोई पार्टिकल प्रेजेंट है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिस्पर्स फेज जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क की बात कर लू मैं मिल्क क्या होता है एक्चुअली ऑयल इन वाटर फैट इन वाटर होता है तो वाटर तो हमारा क्या होगा सोलवेंट लाइक कॉम्पोनेट होगा और फैट उसमें प्रेजेंट होती है तो फैट हमारी ऑयल हमारे क्या है डिस्पर्स फेज है दूसरा हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है सोलवेंट लाइक कॉम्पोनेट सोलवेंट जैसा जैसे सोलशन में सोलवेंट होता था यहाँ पर क्या है में पर डिस्पर्स मीडियम है ठीक है

आठ तरह के हमें क्या मिलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे इनको डिस्कस करते हैं चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहला सबसे पहला हमारा लिक्विड इन गैस अब इसको कैसे पढ़ते हैं देखो इसको पढ़ते हैं लिक्विड इन गैस अब लिक्विड तो क्या है डिस्पर्स फेज है और गैस क्या है डिस्पर्स मीडियम यानी कि लिक्विड किस प्रेजेंट है गैस में ठीक है जैसे एरोसोल इसको बोलते से, ये टाइप है देखो इधर क्या 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 लिखा है डिस्पर्स अच्छा, मिस्ट, मिस्ट ये आपने सुना होगा धुंध कोहरा सर्दी में धुंध पड़ती है कोहरा पड़ता है ठीक है उसमें क्या होता है छोटी छोटी फाइन वाटर की ड्रोपलेट कंडेंस हो जाती हैं और वो कहां पर तैर रही होती है वो एयर में सस्पेंड कर रही होती हैं सो वाटर ड्रोपलेट्स एयर में सस्पेंड करी है तो क्या बोलेंगे लिक्विड इन एयर क्योंकि वाटर तो कैसा होता है लिक्विड होता है ना तो लिक्विड इन एयर बोलेंगे उसको या फिर क्लाउड देखेंगे बादलों में क्या होता है पानी होता है वो कहां पर तैर रहे होते हैं एयर में तो लिक्विड इन एयर ऐसे बोलेंगे उसको एरोसोल बोलते हैं नेक्स्ट हमारा सोलिड इन गैस सोलिड इन गैस यानी कि सोलिड किसमें प्रेजेंट होगा आपके बार गैस में तो आपको पता है स्मोक होता है जैसे ऑटोमोबाइल के एग्जस्ट होते हैं जैसे आपकी कार है बाइक है उसमें से निकलने वाला धुआं अनबर कार्बन पार्टिकल होते हैं यानी कि सोलिड पार्टिकल होते हैं वहां पर फ्यूल के ठीक है तो वो सोलिड पार्टिकल्स गैस में सस्पेंड कर रहे हो ठीक है तैर रहे हो प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं एरोसोल टाइप उसका एरोसोल है और उसको जैसे एग्जाम्पल बताया गैस सोलिड इन गैस नेक्स्ट हमारा गैस इन लिक्विड गैस इन लिक्विड इनके कोई गैस लिक्विड में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे उसको गैस इन लिक्विड बोलेंगे वैसे तो इसको क्या बोलते हैं फोम टाइप क्या इसका फोम सेविंग क्रीम्स है सेविंग क्रीम्स आपने देखा होगा जो दाढ़ी बनाते हैं तो जो क्रीम्स होती है उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे एयर के बबल लिक्विड में ट्रैप होते हैं तो लिक्विड में एयर बबल प्रेजेंट तो क्या बोलेंगे गैस इन लिक्विड नेक्स्ट है

डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम बोथ आर लिक्विड यानी कि डिस्पर्स फेज भी कैसा है लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम भी कैसा है? आपका लिक्विड होता है ठीक है तो जैसे एग्जांपल क्या हो गया हमारा मिल्क या फिर फेस फेस क्रीम क्रीम जैसे एंड आप बोर ले लगाते हो पता नहीं क्या क्या लगाते हो ठीक है वो भी किसके एग्जाम्पल है सारे के सारे लिक्विड इन लिक्विड के एग्जाम्पल होते हैं आगे बढ़े पक्का नेक्स्ट हमारा सोलिड इन गैस सोलिड सॉरी सोलिड इन लिक्विड सोलिड इन

यानी कि मिट्टी को आप लिक्विड में आपको डालोगे तो एक तरह का क्या बन जाता है बन जाता है उसको क्या बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन किस टाइप का सोल होता, होता है टाइप सोल होता है सोलिड इन लिक्विड है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या चलो है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन गैस इन सोलिड गैस किसमें प्रेजेंट है सोलिड में तो गैस इन सोलिड फोर्म बोलते हैं उसको जैसे फोम रबर स्पंज स्पंज आपने स्पंज में क्या होता है छोटे छोटे एयर के बब्बल किस में प्रेजेंट होता है सोलिड में कांड ऑफ kind of पत्थर होता है उसमें भी एयर के बबल हल्का होता है काफी ठीक है ना नेक्स्ट हमारा लिक्विड इन सोलिड कोई लिक्विड सोलिड में प्रेजेंट होता है क्या बोलते हैं उसको जेल देखो याद करो लमहा जब आपको बताया था इमल्सन इमल्सन क्या बताते है. ऐसा क्लोर सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड ही डिस्पर्स मीडियम होता है और लिक्विड ही फेज होता है ठीक है

हमें ऐसे नहीं है कि भाई जस्ट हमने पढ़ लिया और हमने पेपर दे दिया एग्जाम में नंबर आ गए नहीं ऐसा नहीं अब हम तुम लॉजिकली सोचा करो साइंस के बच्चे हो लॉजिकली सोचा करो हमारे आसपास चीज क्या है जैसे मिल्क पी रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इमल्सन पी रहा हूँ मैं इसमें क्या है फैट है ऑयल है वो किसमें डिजोल है वाटर में तो ऑयल इन वाटर है बटर होता है एक्चुअली बटर क्या है आपका आपका जेल है ठीक है फेस क्रीम लगा रहे हो आप ठीक है गोरा होने के लिए लगानी चाहिए ठीक है वो भी क्या है वो भी आपका एक क्लाइंट का इमल्सन है चीज है बटर है वट एवर जो भी आप आप चारों तरफ देखते हो नींबू पानी पीते हो तो आपको सोचना चाहिए क्या है क्या ये क्या ये सस्पेंशन है कोलाइडल सोल्यूशन है या फिर ये हमारे क्या है सोल्यूशन है ठीक है और कोलाइडल सोल्यूशन है तो किस टाइप का कोलाइडल है ठीक है ना सोल्यूशन है तो किस टाइप का सोल्यूशन है होमोजिनियस हाइड्रोजीनियस है मिक्सचर है तो क्या है तो ऐसे सोचा करो तो आगे बढ़े तो ये जैसे ये जेम है तो ये दिखा रखा है ना फोटो है, ये जैम स्टोन का होता है कलर्ड जैमस्टोन होते हैं आपने देखा भी होगा वो बोलते वो कई तो कई लड़कियां अंगूठी पहने रहती हैं पन्ना और कई सारे चीजें होती हैं तो कलर्ड जैमस्टोन है बड़ा देखकर खुश होती है उनको वो ठीक है ये ये क्या ये है ये पोमिस है वैसे बताता पुमिस क्या सोलिड इन सॉरी सो, गैस इन सोलिड आपको जो होल दिखाई दे रहे हैं छोटे 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 होल दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या ट्रैप्ट होती है गैस ट्रैप्ट गैस इन सोलिड का ये स्टोन ठीक है

जो जल्दी पेड़ पौधों से फ्लावर से जब उनको फल उठाते हैं तो, तो, वो वो पानी में पोलेंस गिरी हुई थी तो उसने देखा कि लाइट जब पड़ रही है तो वो लाइट स्कैटर कर रही हैं ठीक है तो वहीं से उसने आ, अपना दिमाग लगा तो टिंडल इफेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं ठीक है सो द स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ ए लाइट बाई द पार्टिकल्स ऑफ ए मिक्सचर विच रिजल्ट इन विजिबल पार्थ ऑफ लाइट इज नोन एज द कैंडल इफेक्ट so we can direct a a beam of light from torch so beaker containing the mixture and observe it from the front side we see the path of the beam of light is visible and hence it is known as the Tyndall effect इफेक्ट बोल दिया ठीक है बेसिकली कुछ नहीं है पार्ट आप लाइट डालो पार्टिकल आपको दिखाई देंगे वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं लाइट को बिखेर रहे हैं उसको टिंडल इफेक्ट बोल दिया ठीक है अब दिखाता कौन है वो क्वेश्चन आता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

क्या? वही तो टेंडल इफेक्ट है ठीक है आप देख सकते हो अभी मैं दिखाऊंगा जैसे इसके अलावा दे दे कर देंगे बिखेर दिखा देंगे तो वो टेंडल है। टेंडल canopy, 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 चंदवा। आप डेंस फॉरेस्ट में चले जाओ तो वहां पर पेड़ आप फॉरेस्ट के अंदर खड़े हो जाओ और फिर आप बाहर से देखो लाइट को वहां पर मिस्ट होती है फॉग होती है थोड़ी तो वो फाइन जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो लाइट को स्कैटर कर देंगे उसको बोलते हैं टेंडल

तो क्या हमें लाइट दिखा दे लाइट दिखेगा मतलब क्या बिल्कुल ऐसे हमें जो रे आती है सनलाइट से क्या वो विजिबल दिखा देता है उसका पाथ नहीं लेकिन अगर डस्ट है वहां पर और अगर फोग है तो हमें दिखाई देती है लाइट 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 की आ, की की बीम 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 आ रही है ऐसे बीम से मतलब मतलब समझ रहे हो ना की बीम की बहुत सारी जो रेज हैं एक साथ आ रही हैं तो देखो जैसे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर पाथ विजिबल है तो यही तो टेंडल इफेक्ट है ठीक है या फिर आप जैसे बंद कमरे में बैठे हो खिड़की में से लाइट आ रही है वहां पर डस्ट है तो पाथ आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी क्या है टेंडल इफेक्ट है गेटिंग हाँ तो जैसे ये कैसे दिखते हैं फ्लैश फ्लैशलाइट डाली आपने सोल्यूशन में डाली तो सोल्यूशन का क्या आपको दिखाई दे रहा है पाथ विजिबल है आंसर है नहीं पाथ विजिबल नहीं है लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है यहाँ पर सस्पेंशन होता तो पाथ आपको क्या दिखाई दे रहा है विजिबल दिखाई दे रहा है ठीक है नेक्स्ट है अब हमें देखो डिफरेंट हमें सोल्यूशन पढ़ लिया सस्पेंशन पढ़ लिया कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ते हैं ठीक है अब जनरली हम अपनी लाइफ में अपने डेली लाइफ में जनरली प्योर सब्सटेंसेस से तो कम ही डील करते हैं ठीक है ना जनरली हम मिक्सचर से डील करते हैं दो या दो से चीजें आपस में मिक्स हुई होती हैं अब वो मिक्स हुई हो मिक्स हो रखी हैं तो क्या हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं हाँ उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक हमें अप्लाई करनी पड़ेगी वो डिपेंड करता है नेचर कैसी है जो दो कॉम्पोनेट या दो से में मिक्स हैं, तो उनकी नेचर कैसी है मिक्सचर वीव द मेनी टाइप्स ऑफ द मैथल टू से जो दो कॉम्पोनेट आपस में मिलाए थे उनको फिर से अलग करना हम कर सकते उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ़िकेशन। सेंट्रीफ़िकेशन यहाँ क्यों डिस्कस तो कोलाइडल से आपकी जुड़ी होती है आपने देखा होगा घरों में बटर हैं आपने चर्निंग से जो रई होती है जो आप लगाती है तो उसमें से मिल्क अलग हो जाता है और जो आपका लस्सी अलग हो जाती है तो उसको क्या बोलता है चरनिंग वो सेंट्रीफिगेशन या चनिंग एक ही चीज होती है सेंट्रीफिगेशन से या फिर चरनिंग से थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी मैं बता दूंगा सो दैट मीनस इसको पढ़ लेते हैं एक बार

या तो हम फिल्टर या तो हम सेंट्रिफिकेशन करेंगे या फिर हम क्या करेंगे चर्नी. क्या फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं नहीं फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्या कभी ऐसा हुआ आपने दूध छाना दूध में से घी अलग निकल गया और जो भी कंपोनेंट है जो भी आपका लस्सी है वो अलग होगी छानने से ये कैसा होता है नहीं होता ठीक है उसके लिए मैं या तो चर्निंग करनी पड़ेगी या फिर तो सेंट्रिफिकेशन करना पड़ेगा ठीक है सो वी नीड ए स्पेशल टेक्निक ऑफ द सेपरेशन नोन एज देंट्रिफिकेशन से स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी इसको क्या बोलते हैं हम डेंसर पार्टिकल एट द बोटम अब इसमें क्या होता है एक गोल गोल घूमने वाली मशीन होती है उसमें टेस्ट ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब मिल्क डाल दिया मिल्क डालते हैं उस मशीन को कौन जाता है तो वो गोल 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 ऐसे घूमेगी अब उसमें होता क्या है जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं के और जो तो हल्के क्या रह जाते हैं ऊपर दो चीजें डिस्पर्स फेज, तो फेज के पार्टिकल वो नीचे बैठ जाएंगे और डिस्पर्स मीडियम आपका ठीक है तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ठीक है चलो

तो जैसे उस मशीन में डालते तो गोल गोल घूमती है वो गोल गोल घूमती है तो होता क्या हो जो पानी जो है भारी है वो क्या हो जाता है वो मशीन जब गोल गोल घूमती है ना तो वो पानी को तो दूर फेंक देती है क्योंकि वो पार्टिकल गल भारे थे और कपड़े वो हमारे वहीं रह जाते हैं तो पानी क्या है इजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं और वो कपड़े हमारे वही तो सेंट्रिफिकेशन है ठीक है सो हाउ कैन वी सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क अब

पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी एंड जैसा कि मैंने बताया था किचन में भी कर सकते हो आप रेल यूज कर सकते हो जो वो गोल गोल घूमती है मिल्क so जब मिल्क को आप चर्निंग करते हो मिल्क की यानी कि मिल्क की चर्निंग करते हो तो आपको क्या दिखाई दिया हमें दिखाई दिया कि ओन चर्निंग द मिल्क सम सोलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम वाइल द लाइटर पार्टिकल या लिक्विड रिमेन अपवर्ड साइड कुछ पार्टिकल तो नीचे बैठ जाएंगे क्रीम वाले और जो हल्के हैं वो कहा जाएंगे ऊपर में इससे क्या मिला इससे हमें पता चलता है कि मिल्क एक सिंगल कॉम्पोनेंट नहीं है उसमें दो तो कॉम्पोनेंट एक डिस्पर्स फेज और एक मीडियम जनली मिल्क किसका एग्जाम्पल बताया था कोलोडीज का किस टाइप का इमल्सन क्या था उसमें ऑयल इन वाटर या फैट इन वाटर याद रहे आपको सस्पेंसन सॉरी द सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम मिल्क टेस्ट प्लेस अभी वही है क्रीम का मिल्क से कैसे सेपरेट आउट करते हैं वही ऊपर तो बताया है प्रिंसिपल क्या है हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन से बस हाँ अब एप्लीकेशन क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन की कहाँ कहाँ यूज होते हैं एप्लीकेशन से अच्छा एक तो हम मिल्क से तो सेपरेट आउट कर ही सकते हैं क्रीम को तो होम में इट इज यूज इन होम एंड डायरीज डो आपकी डायरी डेरीज होती हैं जो आपकी ठीक है तो डेरीज में आप दूध आप देकर आते हो तो आपको बाजार में कई तरह का दूध मिलता है आपको पता है टोन्ड डबल टोन्ड फुल क्रीम तो उसमें से वो कैसे पॉसिबल है वो ऐसे ही पॉसिबल है उसमें से क्रीम हम निकाल सकते हैं ठीक है तो बेस्ड ऑन द क्रीम अब कितनी क्रीम रखनी है कितनी निकालनी है तो सेंटिफिकेशन से हम उसको सेपरेट या घर में बटर जो जो घी है नूनी घी बोलते हो टिंडी घी बोलते हो उसको या फिर जो भी है आप उसको सेपरेट आउट करते हैं मिल्क से यानी कि क्रीम को सेपरेट आउट करते हैं फैट को सेपरेट आउट करते हो तो या से ही करते पहले एप्लीकेशन ये हो गया आपकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है इट यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड ब्लड एंड यूरिन टेस्ट जनरली जब कोई बीमार होता है या फिर उसको नॉर्मल चेकिंग के लिए जाता है तो उसका ब्लड सैंपल लेते हैं यूरिन सैंपल लेते हैं तो उसको भी सेंट्रीफिकेशन मशीन में डालता हो ठीक है जोर जोर से घुमाता है ठीक है तो उससे क्या करता है वो जो ब्लड है उसके कॉम्पोनेट्स को अलग अलग करता है कुछ कंपोनेंट आपके हैवियर होते हैं नीचे नीचे से निच्चे बैठ जाते हैं कुछ कंपोनेंट कैसे होते हैं आपके भारी भरकम होते हैं ऊपर रह है जाते हैं सॉरी भारी भरकम होते, तो होते हैं नीचे बैठ जाएंगे ना हल्के होते हैं ऊपर रह जाते हैं आपके तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेट ऑफ ब्लड एंड यूरिन कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ द चर्निंग सॉरी क्या था ये सेंट्रिफिकेशन सर ठीक है यूरिन में भी ऐसा होता है यूरिन में भी डिफरेंट कंपोनेंट है क्या यूरिन में अगर मुझे पता लगाना हो कि ग्लूकोज uh, लेवल कितना है तो उसको भी हम कंपोनेंट uh, 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 को सेपरेट आउट कर सकते हैं ठीक है थर्ड है जैसे मैंने बताया था कपड़े धोने के दौरान भी क्या लगता है कौन सा इफेक्ट लगता है याद करो सेंटिफिकेशन इन वॉशिंग मशीन टू स्पिच आउट फ्रॉम वाटर फ्रॉम द वेट यानी कि पानी को स्पीच आउट फैंक के मारना ठीक है तो उसमें क्या है कौन सा इफेक्ट लगता है बोलो जी सर ये आपकी सेंट्रिफिकेशन मशीन होती है ठीक है जैसे हमारी लैब में भी रखी थी लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम देखेंगे ठीक है इसमें क्या है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब डाली जाती है गोल 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 ऐसे घूमती है यहाँ पर बटन है इसका ठीक है या फिर अच्छा इसमें क्या है जैसे ऊपर जो मशीन थी इसमें सैंपल डाल दिया तो आपने ये मिल्क ये यहाँ पर मिल्क डाल रखा तो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है तो ये मिल्क बिल्कुल यूनिफॉर्मली दिख रहा है पर यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क में क्या है जो आपकी आ, क्रीम जो हल्की होती है वो ऊपर रह जाएगी या जो जो भी पार्टिकल है वो नीचे रह जाएगा आपका ठीक है नेक्स्ट है सेपरेटिंग द कॉम्पोनेट्स ऑफ ए मिक्सचर जैसे मैंने बताया था कि जो आपका डेली लाइफ में जनरली जो चीजें होती हैं वो क्या होते हैं मिक्सचर होते हैं तो एक मिक्सचर को दूसरे मिक्सचर एक एक मिक्सचर में जितने भी कॉम्पोनेट होते हैं डिफरेंट तो कॉम्पोनेट ऑफ मिक्सर कैं भी सेपरेटर सेपरेट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है उनको कैसा मैथ इम्प्लेस करता है जो पहला मैंने सीखा पहला क्या सीखा है क्रीम को मिल्क में से सेपरेट कैसे कर सकते हैं तो वी कैन सेपरेट बाय चर्निंग और सेंट्रिफिकेशन ठीक है क्रीम हमारी हल्की है वो ऊपर रह जाएगी या जो भी भारी पार्टिकल्स है, वो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे आपके ठीक है अब दूसरा मेथड देखते हैं आ सकता है पेपर में ये आते हैं ऐसा अच्छा पेपर में कैसे आएगा एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा पेपर में लिखा आएगा हाउ कैन यू ओबेन कलर्ड कॉम्पोनेंट डाई फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक फाउंटेन पेन वाली इंक देखिए मैं बाल पेन वाली इंक की बात नहीं कर रहा करूं फाउंटेन पेन वाली इंक को जो होती है वो इंक लो आप ठीक है अब वो ब्लू कलर की भी होती है ब्लैक कलर की भी होती है रेड कलर की है अपने ब्लू कलर के ले ली उस ब्लू कलर की इंक में से ब्लू कलर यानी कि जो इंक है ब्लू कलर उसको कैसे अलग करूं और जो अलग है वाटर कंपोनेंट उसको कैसे अलग कर सकता हूं ठीक है तो कैसे अलग कर सकता हूं देखते हैं वी कैन कलर्ड कॉम्पोनेंट ब्लू और ब्लैक बाई द इवेपोरेशन मैथड कैसे कैसे उसके कर सकता हूँ इवेपोरेशन अब इवेपोरेशन क्या बला है इसमें क्या है बड़ी सिंपल सी टेक्निक है लैब में करके देखेंगे जब भी क्लास से क्या है एक पानी का गिलास लो ठीक है उसको उसको पानी से आधा 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 भर लोगे ठीक है उस, पे, उस उसके पर उसके ऊपर पर उसके ऊपर पानी के गिलास पर आपको क्या रखना है आप आप रख सकते हो वॉच ग्लास रखोगे वाच ग्लास क्या होता है जनली एक ग्लास होता है उसमें चार पांच ड्रॉप इंक की डालो पानी में इंक नहीं मिलानी पहले पानी का गिलास लिया वॉच ग्लास उस पर रखा उसमें इंक डाली अब नीचे से पानी को गर्म करते हैं जैसे जैसे पानी गर्म होगा इवेपोरेशन होगी पानी की पानी हीटअप करेगा तो वैसे वैसे जो इंक है उस कंपोनेंट में वो भी तो क्या होगी गर्म होगी

और वो इधर उठ जाती है अच्छा आजकल तो सैनिटाइजर से, यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में कहीं पर भी आप देखोगे तो हाथ को देखो क्योंकि क्यों उसमें अल्कोहल होती है और अल्कोहल का तो जो, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है वो आपकी आपके हाथ से हीट निकाल लेती है हीट निकालकर इवेपोरेट हो जाती है और आपके हाथ में से हीट निकल लेती ठंडा ठंडा

वायर गैस बोलते हैं इसको ये बिक्कर हमारा ये वाला क्या है हमारा है और यहाँ से भी तो जो इंक वाली पानी है वो क्या हो जाएगा इवेपरेट होकर चला जाएगा ठीक है ना जी और क्या बच जाएगी यहाँ पर ब्लू या फिर ब्लैक कलर की इंक बच जाएगी टेक्निक का नाम क्या था इवेपरेशन तो क्वेश्चन आ जाए हाउ विल यू सेपरेट आउट द इंक फ्रॉम इट्स क्या है मीनिंग ऑफ इमिबल इमिस्सीबल का मतलब होता है जो लिक्विड आपस में डिजोल ना हो जिसकी आपस में बनती नहीं है ठीक है ना आप, 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 आप क्या करो एक गिलास एक लीटर पाने लोगे ठीक है और एक लीटर पानी लेकर रसोई में पहुंचाना सीधा पानी भी रसोई जाएगा क्या करोगे कुकिंग ऑयल लोगे या सरसों का तेल लोगे मस्टर्ड ऑयल लोगे उसको मिला दोगे ठीक है मेरा नाम मत लेना मम्मी पीटेगी ठीक है मिलाने के बाद आप देखोगे पानी जो है वो क्या हो गया नीचे और पानी के ऊपर कौन तैर रहा है ऑयल ऐसा क्यों क्योंकि मिल्क की जो सॉरी पानी जो है और ऑयल है उसकी बनती नहीं है वो एक दूसरे को डिजोल नहीं करते रिपेल करते हैं को, तो ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड जिनकी बनती नहीं हो ठीक है ना जो आपस आप में डिजोल नहीं होते हो ठीक है या फिर कैरोसिन ऑयल ले सकते हो अब मम्मी की पिटाई से कैसे बच सकते हैं मान लो अपने एक्सीडेंटली मिला भी दिया तो मम्मी की पिटाई से कैसे बच सकते हैं वो सीखते हैं देखो

of the The kerosene oil oil and and water in a separating funnel and left it undisturbed for some कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए the फनल एंड लेफ्ट इट अनस्टर्ब फॉर बींग लाइटर सेपरेट एयर एट द बॉटम क्या कह रहा, रहा है कि जैसे ही आप सेपरेटिंग फनल में डालते हो मिक्सचर को और उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए अब देखोगे ऑयल ने तो ऊपर लेयर बना ली और वाटर ने नीचे लेयर बना लिया ऐसा क्यों ऑयल हल्का होता है ऊपर लेयर बनाएगा और, चीज़ रहेगी, और वाटर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा ठीक है और नीचे उसमें टुट्टी लगी होती है टुट्टी मतलब स्टॉप कॉक ठीक है ना ये लिखा हुआ है टुट्टी तो वैसे ही बोल रहा हूँ मैं उसमें क्या लगी है टैप बोल सकते हो आप नॉर्मली तो टैप लगी होती है स्टॉप कॉक लगी होती है उसको ऑन करोगे पानी को नीचे निकालोगे ऑयल ऊपर आ जाएगा हमारा स्टोकटिंग फनल वी कैन पोर आउट दरफुलेप है ये ऊपर ढक्कन लगा हुआ है ढक्कन में ऊपर से डाल देंगे मिक्सर को मिक्सर को डाल देंगे यहाँ पर स्टोक कोको लगी हुई यहाँ से निकाल सकते हैं अच्छा मैंने यहाँ पर लोग बिककर रख दिया जैसे आप ढक्कन खोलोगे तो सारा का सारा पानी का जाएगा। आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा ये कौन आ जाएगा यहाँ पर कौन आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा आपका वाटर ठीक है और ऊपर कौन रह जाएगा ये ये ऊपर रह जाएगा ऑयल रह जाएगा तो वी कैन इजिली सेपरेट आउट तो ये सेपरेटिंग फनल होती है कैरोसिन ऑयल ऊपर आ गया हल्का होता, होता, होता है वो वाटर भारी होता है नीचे रहेगा ठीक है डेंसर वाटर होता है लाइटर ऑयल रहता है ऊपर आ गया ठीक है अब एप्लीकेशंस क्या है इसके कहां-कहां यूज होते हैं सेपरे... सेपरेटिंग फनल पहली एप्लीकेशन है इससे हम क्या निकाल सकते हैं ऑयल और वाटर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं या ऐसे कॉम्पोनेट जो कंप्लीटली इमिसिबल है जो, जो आपस में मिक्स ही नहीं होते उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं ठीक है इट मेटलर्जी प्रोसेस ट्वेल्थ क्लास में पढ़ो टेंथ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में ही पढ़ोगे मेटलर्जी प्रोसेस और ट्वेल्थ में ही पढ़ोगे मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है जैसे कि मैंने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था एट क्लास में उसमें क्या था कि मेटल प्योर स्टेट में नहीं मिलती है मेटल हमेशा कैसी मिलती है? में। उसको pure, करना तो ऐसे ही आयरन को अगर जैसे निकालते हैं में है, उसको, उसको में प्रो, प्रोसेस होता, लंबा चौड़ा सा उसमें डिस्कस करेंगे ठीक है सो मैं इन मेटलर्जी इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ इट्स ओर ओर होती है जैसे नेचुरली अक्रिंग कोई भी मेटल होती है कंबाइन स्टेट में उसको बोलते हैं ओर जिसमें से मेटल uh, को निकालना प्रोफिटेबली हो सो इन मेटलर्जी प्रोसेस द एक्सट्रेक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर लाइटर इंप्योरिटी कहां रह जाएंगी ऊपर रह जाएंगी उनको बोलते हैं स्लैग और मोल्टन आयरन मोल्टन आयरन क्या होता है आपका मोल्टन आयरन पिंगला हुआ आयरन वो भारी होता है वो कहां रह जाएगा बॉटम ऑफ द फर्नेस फर्नेस जो भी है ये फर्नेस होती है बट्टी सो होप आपको समझ में आया होगा समझ में कुछ कोई चीज अगर आपको दिक्कत आई होगी तो कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख सकते हो या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो ठीक है सो थैंक यू पढ़ते रहें मिलते हैं सेफ रहें ठीक है बचे रहें बीमारियों से ओके चलो